हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ जानकारी के बारे में। दोस्तों, अब आधार कार्ड पे आप घर बैठे काफ़ी इजीली ऑनलाइन अपने डेमोग्राफिक डिटेल्स को अपडेट कर सकती हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर या फिर आपका जो है आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज होना हो, सारा कुछ जो है आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो है कर सकते हो घर बैठे। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप जो है नया प्रोसेस है 2021 का, उसके थ्रू जो है आप अपना आधार कार्ड पर एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑफिशियली वेबसाइट पे चले जाना है, uidi.gov.in पे, और यहाँ पे आपको माई आधार वाले सेक्शन में आ जाना है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे माई आधार वाले सेक्शन में आते हो, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो है माई आधार डॉट यू आई डी आई डॉट जी ओ वी डॉट इन का जो पेज हो यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे नीचे आपको राइट साइड में लॉगिन पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। तो दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा कुछ प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप ऊपर में आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज में आप प्रेफर्ड हो, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी या फिर किसी भी लोकल लैंग्वेज में आप जिसमें आप जो है कंफर्ट हो। यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आपको अपना आधार कार्ड दिख जाता है। यहाँ पे आप फ्लिप आधार कार्ड पे क्लिक करोगे तो अपना आधार कार्ड का जो है आपको बैक साइड यहाँ पे देखने को मिलता है। आप एक बार चेक कर सकते हो कि कौन सा एड्रेस आपको अपडेट करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे नीचे में आप देख रहे हो थर्ड नंबर ऑप्शन है अपडेट आधार ऑनलाइन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और नीचे प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों देख के आपको जो है नीचे एड्रेस वाले पे क्लिक करना है और फिर नीचे प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों, जहाँ पे आपका भी ऑलरेडी करंट जो एड्रेस है आपके आधार कार्ड पे, वो अपडेट आपको यहाँ पे दिखा रहा है, नीचे आ रहा है आपको डिटेल्स टू बी अपडेटेड। दोस्तों, यहाँ केयर ऑफ में आपको अपने हस्बैंड का नाम या फिर अपने फादर का नाम, अगर आप मेल हो तो आपको फादर का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है, जो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों, आप देख रहे हो कि नीचे जो है हिंदी में आ रहा है वो नाम, और आपको एक बार चेक कर लेना है कि नाम जो है हिंदी में वो सही सही आए। अगर सही सही नहीं ट्रांसलेट हो पा रहा है तो दोस्तों, आप जो है गूगल की हेल्प लेके ट्रांसलेटर के थ्रू आप चेंज करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आपको नीचे जो है सारे डिटेल्स यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि जो भी मुझे एड्रेस अपडेट करना है यहाँ पे, जैसे कि मैं मुझे यहाँ पे ये एड्रेस अपडेट करना है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। नीचे आप देख रहे हो कि आपका जो है नाम भी आपका सही सही यहाँ पे आपका जा रहा है, हिंदी में भी आपका टाइप ऑटोमेटिक ले रहा है, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे लैंडमार्क अगर आपका कुछ है, कुछ फेमस जगह है, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है देख के, ताकि कभी भी कुछ अगर अगर कूरियर आए तो वो आपका कभी कुछ दिक्कत ना हो, उस चीज़ के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है। इसके बाद नीचे दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है, जो भी पिन कोड है आपका। विलेज टाउन सिटी का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। अब दोस्तों, नीचे जो है एड्रेस प्रूफ की बात आती है कि आपके पास एड्रेस प्रूफ में क्या है। अगर दोस्तों आपके डिजी लॉकर में ऑलरेडी अपडेट है तो आप वहां से सर्च कर सकते हो। फिलहाल मैं मैनुअल कर रहा हूं, आप मैनुअल पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे यहां पे जो ऑप्शन आ जाते हैं जो है एड्रेस प्रूफ की। आप देख रहे हो यहाँ कि आम लाइसेंस, एड्रेस पिन यूजर बाय UIDI, आपका जो है मैं बता देता हूँ सिंपली पासपोर्ट हो गया, आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, या फिर किसी बैंक स्टेटमेंट है, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा है उसमें अगर आपका बैंक में एड्रेस अपडेट है नया वाला, तो वो आप जो है यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन जो 3 महीने से पुराना ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ और वोटर आईडी कार्ड मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा।
तो यहाँ पे आपको व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आप देख रहे हो यहाँ पे कि अगर आपका जो है आप एड्रेस प्रूफ के लिए दे रहे हो तो ये आपके नाम का ही होना चाहिए घर में किसी और मेंबर के नाम पे। जैसे कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल दे रहे हो तो क्रेडिट कार्ड आपके नाम का होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड आपके नाम का होना चाहिए, घर में किसी ब्लड रिलेटिव या किसी और के नाम का नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ आपको ध्यान रख के यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, अब यहाँ पे क्या है कि मुझे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट में क्लिक करके मैं जो है आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे डिटेल्स को फैच कर रहा है और नया एड्रेस जो है यहाँ पे आप देख रहे हो कि ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको दो टिक्स आएंगे जो अलाउ करने हैं आपको दोनों में, और इसके बाद आपको दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख रहे हो दोस्तों कि यू विल बी चार्ज 50 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको 50 रुपये का जो है यहाँ पे पेमेंट करना होगा, और आप जैसे पेमेंट करते हो आपका जो है रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है और 3 दिन के अंदर मैक्सिमम आपका जो है आधार कार्ड पे एड्रेस जो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एक बार नीचे और भी आपको क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है मेक पेमेंट पे। तो दोस्तों मेक पेमेंट पे आप जब जाओगे आपको ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे UPI हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी के भी थ्रू नेट बैंकिंग, किसी के भी थ्रू आप जो अपना पेमेंट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ वॉलेट, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, सारा कुछ ऑप्शन आ गया। दोस्तों फिलहाल मुझे अपना एड्रेस अपडेट नहीं करवाना है, लेकिन आप अगर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट जैसे करोगे आपको एक अपना जो है एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी आपको मिल जाएगी जो कि PDF में रहेगा, और उसमें आपका रेफरेंस नंबर भी लिखा रहेगा, और 3 दिन के अंदर जो है आप अपना डैशबोर्ड में यहाँ पे चेक भी कर सकते हो माय आधार वाले सेक्शन में कि आपका जो है यहाँ पे चेंजेस हुआ है या नहीं। तो दोस्तों 3 दिन के अंदर आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। 50 रुपये आप अगर ब्रांच या कोई भी बैंक या आप नॉर्मल अगर आप पोस्ट ऑफिस जाते हो तो वहाँ भी आपको इतना पेमेंट करना पड़ता है, और यहाँ पे आप अपने घर बैठे इजिली यहाँ पे अपना कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह के वीडियोज़ मैं आपको हमेशा लाता रहूँ। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।